Hello students, how are you all? Hope you all are fit and healthy. We are doing looking around us, environment, standard 3. And today I'm going to explain you chapter 2. And your chapter name is The Plant Fairy. Plant means rich, fairy means furry. So, hope you all have textbooks. Open your textbook and page number 11. So student, concentrate here. Last Sunday, we went to a garden in the neighborhood. Last Sunday means गया हुआ Sunday, जो बीत गया है. We went, हम लोग गए थे, कहाँ गए थे? Garden में गए थे, किसके वहाँ पर? Neighborhood, हमारे पड़ोस के वहाँ. We played hide and seek means student, छुपन छुपाई. And वहाँ हम लोग जाके क्या खेले? वहाँ हम लोग जाके खेले, played hide and seek. And अंताक्षरी. Okay student, we had a lots of fun और हम लोगों ने वहाँ बहुत मजा किया. After sometimes, दीदी said, कुछ टाइम के बाद दीदी बोली, said means दीदी ने बोला, let us play a new game today and दीदी said let us play a new game, हम लोग आज कुछ एक नया गेम खेलते हैं. I will become a plant fairy और मैं बन जाती हूँ plant मतलब वृक्ष, वृक्ष की फेरी मीन्स एंजल, एंजल और यू कैन से इट्स परी. सो दीदी ने बोला कि हम मैं बन जाती हूँ वृक्ष की परी. द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग्स एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट. तो दीदी प्लांट फेरी बनी हुई है और प्लांट फेरी क्या करेगी, वो कोई भी एक चीज को बोलेगी फॉर सम थिंग्स एंड दूसरे जो बच्चे हैं उन लोगों को उसको जाके क्या करना है, टच करना है मतलब छूना है. द गेम बिगिन, अब क्या हुआ, गेम स्टार्ट हो गया. दीदी सेड, अब दीदी ने बोला. द प्लांट फेरी आस्क्ड टू टच अ प्लांट और प्लांट फेरी कौन थी, दीदी. तो प्लांट फेरी ने बोला आस्क्ड टू टच अ प्लांट, प्लांट कोई भी एक प्लांट को टच करो, कहाँ पे, गार्डन में. एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टुवर्ड द प्लांट्स और उसी समय सभी बच्चे दौड़ गए और सभी ने कहाँ दौड़े, वो लोग प्लांट के साइड में दौड़ गए. अम्मू हेल्ड द मैरी गोल्ड प्लांट, अम्मू जो थी लड़की उसने क्या टच किया, मैरी गोल्ड के प्लांट को. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सी इज अम्मू, अम्मू टच द मैरी गोल्ड प्लांट. मैरीगोल्ड एक फ्लावर का प्लांट होता है. हियर यू कैन सी दिस इज द अनदर गर्ल एंड दिस इज अ दीदी, ये दीदी है, इसने बीच में बैठा हुआ है एंड शी इज नाउ प्लांट फेरी. ओके एंड नाउ हियर सी सबनम सेट टचिंग अ जैस्मिन प्लांट, सबनम इज सिटिंग हियर एंड शी इज टचिंग अ जैस्मिन फ्लावर प्लांट. एंड देन हियर यू कैन सी दिस इज अ बॉय, This boy name is Dayaram. Dayaram caught hold of a neem tree and stood there. Dayaram caught, उसने क्या किया, एक नीम के पेड़ को जोर से पकड़ लिया और वहां पे खड़ा हो गया. Mitchell touched a mehndi bush. अब मिचेल ने क्या टच किया, मेहंदी के झाड़ को, पेड़ को, मेहंदी का जो बस किसको बोलते हैं, जो कांटेदार पेड़ होते हैं ना, प्लांट होते हैं, उसको बस बोलते हैं. तो मिचेल टच अ मेहंदी बस. नाउ टर्न योर पेज स्टूडेंट, नाउ कम ऑन पेज नंबर 12. दीदी सेड, दीदी बोली, वेरी गुड, बहुत अच्छे. एवरीवन हैज टच अ प्लांट, सबने एक एक प्लांट टच किया. बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दीदी बोली, क्या बोली उसने, सबने बहुत अच्छे से एक एक प्लांट को टच किया बट क्या तुमने नोटिस किया, सबने डिफरेंट प्लांट को टच किया. दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट, सेड सबनम. कैन यू नेम द प्लांट्स ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग, क्या आप नाम बता सकते हैं जिसमें दीदी बैठी थी. द गेम स्टार्टेड अगेन, फिर से वो जो गेम था, जो खेल था, फिर से स्टार्ट हुआ. द प्लांट फेरी नाउ सेड, प्लांट फेरी कौन थी, दीदी थी, जो प्लांट फेरी थी उसने फिर से बोला, टच अ ट्री विच हैज आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक.
दीदी ने बोला, प्लांट फेरी ने बोला, अभी जाके टच करो, छुओ ऐसे प्लांट को, आइदर वो बहुत ज्यादा ठीक हो, बहुत ज्यादा और वो थीन हो, किस तरह से, ट्रंक साइड से। सो यू कैन सी दिस पिक्चर, दिस थ्री चिल्ड्रंस आर होल्डिंग दिस थिक ट्री एंड दिस वन इज होल्डिंग अ थीन ट्रंक। The children ran again to touch the tree with thick or thin trunks. Children जो थे, सारे बच्चे थे, फिर से उस लोगों ने दौड़ लगाई, कहा थिक मतलब बहुत मोटा और थिन मतलब पतला, मोटे और पतले ट्रंक के तरफ। Have you seen a tree which a trunk has thick as the one shown in the picture? क्या आपने कभी देखा है ऐसे बड़े से मोटे से ट्रंक वाले ट्री को, जिसका ट्रंक जो होता है, ट्रंक साइड होता है, वो बहुत ज्यादा थिक होता है, वैसे ट्री को देखा है जो आपके बुक्स के पिक्चर में बताया गया है। मिचेल्स फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। मिचेल को लगा कि गेम बहुत इंटरेस्टिंग है। ही थ्रो हाउ लकी द फेरी वॉज एंड उसने सोचा, ही थॉट, वो एक बॉय था, उसने सोचा कि ये कितना लकी है जो फेरी बनी हुई है। किसने कौन बनी थी फेरी? दीदी। तो जो दीदी है वो फेरी बनी हुई है। हाउ शी इज लकी, शी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड, और वो सबको क्या कर रही थी, ऑर्डर कर रही थी। नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी। मिचेल को लगा कि अब मुझे भी प्लांट फेरी बनना चाहिए, सेड मिचेल। द चिल्ड्रन लाफ्ड लाउड, अ बॉय फेरी, और सारे जो बच्चे थे उन्होंने जोर से हंसा। क्या बोला? बॉय फेरी मतलब क्या बॉय एंजल और क्या परी बन सकते हैं? दे वेर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी, और वो लोग रेडी हो गए, स्टार्ट हो गए, तैयार हो गए सबने कि न्यू फेरी कौन बना था, मिचेल जो न्यू फेरी बने थे उसका ऑर्डर लेने के लिए। मिचेल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली। मिचेल बोला, मिचेल कौन है, बॉय है, उसने बोला कि थोड़े लीव्स, लीव्स मतलब पत्ते, तुरंत लेके आओ। बट रिमेम्बर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट। बट रिमेम्बर कि आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों को प्लांट में से पत्ते तोड़ने नहीं है, सेड दीदी। द चिल्ड्रन रेन टू कलेक्ट द लीव्स विच वेर लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो बच्चे सब दौड़ गए और कहां से पत्ते कलेक्ट किया उन लोगों ने, सब उठाया पत्ते को, लीव्स को, वहां का जहां ग्राउंड में सब जो पत्ते गिरे हुए थे उन लोगों ने वहां से कलेक्ट किया। थिंक एंड राइट, राइट द नेम ऑफ लीव्स विच यू हैव सीन। आप लोगों को सोचना बताना है कि जो सारे पत्ते आप लोगों ने देखा है, पीपल लीव्स हमने देखा है, नीम लीव्स, बेजिल एंड बनियन ट्री एक्सेट्रा, इफ यू सीन सो यू हैव टू राइट योर नेम। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। डू ऑल लीव्स हैव सिमिलर कलर शेप्स और मार्जिन्स। तो जितने सारे पत्ते आप लोगों ने देखा है क्या सबका शेप, सबका कलर और सबका मार्जिन क्या सेम होता है? नो। नाउ दयाराम सेड आई डिड नॉट नो दैट देयर वेर सो मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स। लुक, सम आर राउंड एंड सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्राइंगुलर। तो दयाराम ने बोला कि डिड नॉट नो, आप लोगों को पता नहीं है, पर जो प्लांट्स, जो सारे लीव्स होते हैं, कुछ राउंड शेप में होते हैं, कुछ गोल आकार में होते हैं, कुछ लॉन्ग होते हैं मतलब लंबे होते हैं, और कुछ ट्राइंगुलर शेप में होते हैं। अम्मू सेड दे आर ऑफ सो मेनी डिफरेंट कलर एज वेल। एज वेल उस लोग में ग्रीन में भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। सम आर लाइट ग्रीन, सम आर डार्क ग्रीन, सम आर इवन येलो, रेड एंड पर्पल। कुछ होते हैं लाइट ग्रीन में, कुछ होते हैं डार्क ग्रीन में, और कुछ होते हैं येलो मतलब पीले, और कुछ रेड और कुछ पर्पल बैगनी कलर में होते हैं। देयर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज व्हाइट पैचेस ऑन इट्स। कुछ है जो ग्रीन कलर में है, उसमें कुछ कुछ पैचेस बना हुआ है, कुछ लकीर, कुछ लाइंस होते हैं ना उसको, दैट इज कॉल्ड पैचेस।
Look, even the margin of these leaves are different from the each other. और उसका जो लीफ में जो मार्जिन बना हुआ है उससे भी पता चलता है कि ये लीव्स एक दूसरे से देखने में डिफरेंस है. सम हैव स्ट्रेट मार्जिन एंड सम हैव अनइवन. कुछ का स्ट्रेट सीधा मार्जिन है, लकीर है, कुछ में क्या है अनइवन है. कुछ ऊपर से है, कुछ राइट से है, कुछ लेफ्ट से है, दैट इज कॉल्ड अनइवन. सम ऑफ दिस मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ शो सेड सबनम. अम्मू एंड सबनम शाउटेड टुगेदर. वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट्स फेरी. एंड नाउ अम्मू एंड सबनम टू आर सेइंग शाउटेड टुगेदर. दोनों ने जोर से साथ में चिल्लाया कि अब हम लोग को भी प्लांट फेरी बनना है. दीदी सेड नॉट टूडे मे बी नेक्स्ट संडे. ने दीदी ने बोला आज नहीं, अब दूसरे संडे, आने वाले संडे को. इट्स इज टाइम टू गो होम नाउ. अब टाइम हो गया हमारे घर जाने का. ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन. घर जाने के टाइम में दीदी ने एक स्टार्ट किया एक पोएम सबके लिए. सो रीड एंड राइट व्हाट कैन बी सीन इन द गार्डन. गार्डन में हम लोगों ने क्या देखा है? प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स, क्रीपर्स, ग्रास, स्टेप्स एक्सेट्रा थिंग्स. नाउ टर्न योर पेज एंड कम ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14. फिल द कलर. फिल द कलर ऑफ द चॉइस इन द लीव्स ऑफ फ्लावर एंड फ्लावर्स. तो यहाँ पे जो लीव्स है फ्लावर्स दिया है दैट यू हैव टू फिल योर चॉइस कलर. कोई सा भी तुम्हारे अनुपर जो तुमको पसंद आता है उस कलर को तुमको यहाँ फिल करना है. दीदी ने ये सॉन्ग गाया था. सो लेट्स सी दिस सॉन्ग. रेड पर्पल एंड इवन येलो सम ग्रीन वेट एंड लॉसेस. लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप एंड शेडेड्स. सम आर लाइक द एलिफेंट ईयर्स एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल. सम आर टोन एंड सम आर folded and some even eaten like the betel and in the early dawn darkest hue. You will find the flowers cry tears like dew. Some are like the butterfly, some like bees. कुछ दिखते हैं कैसे butterfly की तरह और कुछ दिखते हैं bees मतलब मधुमक्खी की तरह. Some are hairy and some are plain. Some dry up to look thrown and some even resembles cranes. Holes, hose, hose, circular and flutters in the bees they all do mutters. All day long they smile and play and in the night they sleep away. Leaves are of different kinds and of different shape and hues. So this poem, these lines are written by Vijendra Pal Sisodia. Okay, now come on next page. Collect a few leaves of plants like lemon, mango, neem, basil. Basil means tulsi, mint and coriander. Kuch aise plants ko hum logo collect karna hai. Crush the leaves and smell them. Crush karna hai usko daba ke hum logo usko ek crush kar dena hai. Aur do then you have to take smell. उससे कैसा smell आता है. Do they all smell alike? क्या सब इसका smell एक जैसा है? Can you identify the leaves just by their smell? और क्या उसके smell से हम लोग leaves को identify पहचान सकते हैं? So yes, of course, because lemon के leaf से lemon का smell आता है, mango के leaf से different smell आता है, neem के leaf से crush करने से उसको कड़वा जो होता है उस टाइप का स्मेल आता है. बेजिल से तुलसी का स्मेल आता है. व्हाट आर द वे टू आइडेंटिफाई लीव्स. किस तरह से हम लोग लीव्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं. लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर. दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स. ये नीचे पिक्चर्स दिया गया है, ब्यूटीफुल पिक्चर्स है, उसको हम लोग को देखना है जो हम लोग को लीव्स मतलब पत्तों से बना हुआ है. नाउ सी इट. You can see this is a picture. Make picture of leaves using dry leaves. Make picture of different animal in your notebook. इस तरह से dry leaves जो सूखे पत्ते हैं उसको collect करके आप लोगों को animals का look बनाना है.
So this is elephant, rat, and this is bird. Okay, now turn your page. How to take impressions? Impressions mean छाप, प्रभाव या चिन्ह. किसी भी चीज का छाप लेना, that is called impressions. Take a paper and a crayons or color pencil. Place the leaf on a table or on the ground. It should be placed in a such a way that the side of the leaves which veins is on the top. Veins, हम लोगों को क्या करना है, पेपर लेना है, क्रेयॉन्स और या कलर पेंसिल लेना है, उसको हम लोग को टेबल में रखना है, पर उसका जो veins साइड होता है उसको हम लोग को ऊपर में रखना है, टॉप में रखना है. प्लेस अ पेपर ऑन द लीव्स, जनरली रब द क्रेयॉन्स और कलर पेंसिल ऑन द पेपर. बी केयरफुली दैट द पेपर और द लीव्स डज नॉट मूव. अब हम लोग को क्या करना है, उस पेपर को और लीव्स के ऊपर रखना है, लीव्स के ऊपर में हम लोग को क्या करना है, पेपर को रखना है, पर उसका वेंस जो होगा वो टॉप साइड में ऊपर तरह होना चाहिए. उसके ऊपर हम लोग पेपर रखेंगे एक, और उसमें कलर पेंसिल या तो कलर क्रेयॉन्स को हम लोग उसको रब करेंगे, पर केयरफुली कि वो जो लीव्स है और पेपर है वो मूव नहीं होना चाहिए. सो यू कैन सी दिस गर्ल इज टेकिंग दैट इम्प्रेशंस, दैट उसको बोलते हैं चिन्ह या छाप. उसको टेबल्स के ऊपर में क्या करना है, पहले लीव्स को रखना है, लीव्स का जो वेन्स होता है वो टॉप साइड में होगा, उसके ऊपर में पेपर रखना है या कलर और क्रेयॉन्स से उसमें रब करना है. सिमिलरली टेक इम्प्रेशंस ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री. ट्री के जो ट्रंक आते हैं उसको में भी आप इम्प्रेशंस ले सकते हैं. प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक एंड रब अ क्रेयॉन्स. ट्रंक के ऊपर में एक पेपर रखो, जिस तरह से लीव्स के ऊपर में रखा था उसी तरह से, और एक पेपर के ऊपर में क्रेयॉन्स को या कलर पेंसिल को रब ऑन इट. लुक, यू हैव मेड इम्प्रेशंस ऑफ द ट्री बार्क. लुक एट द इम्प्रेशंस मेड बाय द अदर. आर द इम्प्रेशंस ऑफ डिफरेंट प्लांट सिमिलर. सबका जो चिन्ह होता है, सबका जो छाप होता है, क्या एक जैसा है? नो. विच लीव्स गेव अ गुड इम्प्रेशंस, विच ट्रीज इम्प्रेशंस वॉज डिफरेंट टू टेक एंड वाई. कुछ ट्री का जो लीव्स होता है, कुछ लीव्स का आता है डार्क इम्प्रेशंस आएगा, क्योंकि उसका वेन्स जो होता है वो जो ठीक होता है, इसलिए उसका इम्प्रेशंस जो आएगा, चिन्ह आएगा, वो हम लोग को डार्क मिलेगा, और कुछ ट्रंक का डिफरेंस वे में होता है. बट वाई, वट वुड हैपन इफ द बार्क ऑफ द ट्री गेव सिमिलर इम्प्रेशंस. Which tree bark impressions we cannot taken and why? कुछ का impressions हम लोग नहीं ले सकते हैं. क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि उसका जो veins कुछ का नहीं होता है, चिकनाहट होते हैं, उसके कारण से हम लोग उसका जो छाप होता है उसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि छाप में हम लोग जो पेपर रख के उसको कलर से क्रेयॉन से रब करेंगे तो हम लोग को वो छाप हम लोग को जो होता है पेपर में हम लोग को नहीं मिलेगा. और जो उसका veins होता है कुछ का, कड़क होता है उसका ट्रंक का, तो उस टाइप के ट्री को हम लोग अच्छे से उसका छाप ले सकते हैं. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. लुक एंड राइट, दिस इज एक्टिविटी. लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर ऑन देम. यू कैन सी दिस इज द पिक्चर एंड यू हैव टू फाइंड आउट वेयर इज द फ्लावर्स एंड लीव्स पैटर्न. किस किस इस पिक्चर में किस किस जगह पर, कौन कौन से चीज पर, फ्रेम पर, कुशन पर, बेड कर्टन पर, बेडशीट पर, गर्ल्स के ड्रेस पे, गर्ल्स के बुक्स पे, कहाँ कहाँ पे फ्लावर्स और लीव्स का पैटर्न बना हुआ है, दैट्स यू हैव टू फाइंड आउट एंड यू हैव टू राइट डाउन हियर. सो यू कैन सी हियर कारपेट, कर्टन, फोटो फ्रेम, बेडशीट, गर्ल्स रीडिंग अ बुक, बुक के ऊपर है और क्वेश्चन पे भी है. ओके, नाउ टर्न योर पेज. थिंक एंड राइट, दिस इज ऑल्सो एक्टिविटी. लुक फॉर ऑब्जेक्ट विच हैव पैटर्न्स ऑफ द लीव्स एंड फ्लावर ऑन देम इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स. तो कहां कहां पर हम लोग के घर में पैटर्न्स मिलते हैं, किस किस ऑब्जेक्ट, किस किस चीजों के ऊपर में, तो बेडशीट में मिलते हैं, कारपेट में मिलते हैं, कर्टन एंड फ्रेम में भी, फोटो फ्रेम्स होते हैं, कोई भी फ्रेम होते हैं तो उसमें भी हम लोग को मिलते हैं पैटर्न जो हमारे. यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्री. हम लोग ने बहुत सारे प्लांट्स और ट्री को देखा है, राइट देयर नेम्स. तो जिस जिस प्लांट और ट्री को आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स, उसका नाम यहाँ पे लिखना है. बनियन ट्री,
पीपल, मैंगो, नीम, अशोक, बेरी, बेजिल एंड बनाना ट्री. सो दीज आर ट्री. सो आई हैव सीन, और आप लोगों ने जो दूसरे ट्री को भी देखा होगा तो यू कैन राइट हियर. आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन? ऐसा कोई प्लांट है जिस लोगों ने आपने उसका बारे में सुना होगा, उस प्लांट के बारे में, बट यू नेवर सीन इन योर लाइफ, अभी तक आप लोगों ने अपने लाइफ में उसको देखा नहीं है. राइट देयर नेम्स. सो एप्पल ट्री, वी हर्ड अबाउट एप्पल ट्री बट वी नेवर सीन, क्योंकि एप्पल ट्री, यहाँ एप्पल्स हम लोग को यहाँ पे नहीं मिलते हैं. सेफ्रॉन, आमन, ओक, ऑरेंज, चेरी ट्री, वॉलनट्स एंड फिग. सो दिस काइंड ऑफ सी ट्री वी हर्ड अबाउट इट बट वी नेवर सीन इन आवर लाइफ. 5 and 10. Ask some older people if there were plants which they have seen when they were children but are not seen this day. आप लोगों को अपने ओल्डेस्ट जो पीपल्स है घर में, जो बड़े, उन लोगों से पूछना है कि ऐसे कोई प्लांट्स है जो चाइल्डहुड में आपने सुना था उसके बारे में, पर अभी तक लाइफ में आप लोगों ने देखा नहीं है. सो दिस इज एक्टिविटी दैट यू हैव टू टॉक विथ योर पेरेंट्स. ऑल्सो आस्क देम इफ देयर आर एनी प्लांट्स विच कैन बी सीन दिस डे बट विच वेर नॉट सीन अर्लियर. फ्रेंडशिप विद द ट्री. चूज अ ट्री नियर योर स्कूल और हाउस एंड मेक फ्रेंडशिप विद इट. एक ट्री को आपको चूज करना अपने घर के आजू बाजू में या तो स्कूल के आजू बाजू में, और उसके साथ आपको क्या करना है, फ्रेंडशिप करना है. आ लास्टिंग फ्रेंडशिप. विच ट्री इज इट. किस तरह से फ्रेंडशिप करना है, कौन सी ट्री है ये. आस्क सम एल्डर इफ यू डोंट नो. अगर ट्री का नाम नहीं पता है तो अपने एल्डर्स के, अपने बड़ों से पूछ लेना है नाम. विल यू लाइक